उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो जागेश्वर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उनका यह दौरा ऐतिहासिक होगा। उनके इस दौरे से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह उन्होंने स्वीकारा और संभवतः 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, जागेश्वर आ रहे हैं, उसके बाद जोनीकोंग होते हुए वो आदि कैलाश जाएंगे, पार्वती कुंड जाएंगे, हमारे अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ के अंदर उनकी एक विशाल जनसभा होने जा रही है। पिछले 4 दिनों से मैं जो हमारे मैं इस कार्यक्रम के लिए पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया है, वहीं हमारे कार्यक्रम के संयोजक बलवंत सिंह भुरियाल जी के साथ मैं लगातार 4 दिन से दौरे कर रहा हूं और जो उत्साह मुझे लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सभा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और कहते हैं जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वहाँ की दिशा और दशा बदल जाती है, ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। आदि कैलाश जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ जाएगी तो कितना टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। जागेश्वर जाएंगे तो जागेश्वर का जब विश्व पटल पर नाम जाएगा कितना टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। मायावती आश्रम निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को, यहाँ के विकास को बढ़ावा मिलेगा और जाने का रास्ता हल्द्वानी होकर ही जाता है। जब आदमी दिल्ली से चलेगा तो उसी गाड़ी के ब्रेक हल्द्वानी में लगेंगे, भोजन यहाँ करेगा, होटल में ठहरेगा, तो एक बूम यहाँ पर टूरिज्म में आने वाला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण उन्होंने स्वीकारा, आप यहाँ पर आए हैं और उनका तो उत्तराखंड से विशेष लगाव है। और जैसा कि केदार की धरती से उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस दिशा में भी ये कदम हो।